इंटरनेट दुनिया से जुड़ने का सबसे तेज तरीका। देश की टेलीकॉम नियामक संस्था ट्राई की माने तो मार्च 2012 तक देश में कुल 1.5 करोड़ ब्रॉडबैंड कनेक्शन हैं और इनकी संख्या आने वाले सालों में तेजी से बढ़ने का अनुमान है। देश में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों की संख्या दुनिया में तीसरी सबसे ज्यादा है और ये जून 2012 में 13.70 करोड़ थी। सरकार के इस क्षेत्र में और भी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। राष्ट्रीय आईटी नीति 2012 में सरकार की योजना हर घर में एक व्यक्ति को इंटरनेट साक्षर बनाने की है। साथ ही सरकार आईटी में कुशल 1 करोड़ लोगों का समूह भी बना रही है। आईटी कारोबार को मौजूदा 200 अरब डॉलर से बढ़ाकर 300 अरब डॉलर करने की योजना भी बन रही है। कुल आईटी निर्यात को 69 अरब डॉलर से बढ़ाकर साल 2020 तक 200 अरब डॉलर करने की कोशिश की जा रही है। इंटरनेट ने सरकार और समाज में पारदर्शिता, जिम्मेदारी, योग्यता, भरोसा और विकेंद्रीकरण लाने में अहम योगदान दिया है। आईटी ने नॉलेज इकोनॉमी के विस्तार में भी भूमिका निभाई है। सरकार की सही नीतियों और बुनियादी ढांचे में निवेश से दुनिया में भारत को एक प्रमुख आईटी पावर हाउस के रूप में स्थापित करने में मदद मिली है। सरकार का मानना है कि आईटी के इस्तेमाल से भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और इसके विकास के मानकों में भी सुधार होगा। राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से 2,50,000 पंचायतों को जोड़ा जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी योजना पर 20,000 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है। समय तेजी से बदल रहा है। स्मार्टफोन के आगमन के साथ ही भारतीयों में भी मोबाइल पर इंटरनेट के इस्तेमाल का चलन तेजी से जोर पकड़ रहा है। मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन टिकट बुकिंग, मनी ट्रांसफर और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो मोबाइल पर बड़े आराम से घर में बैठे इस्तेमाल की जा सकती हैं। साथ ही सरकार भी आईटी का इस्तेमाल अपनी सुविधाओं को जन जन तक जल्दी और पारदर्शी तरीके से पहुंचाने में कर रही है। सिद्धांत सिब्बल, DD News, नई दिल्ली।